हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती क्या है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी, क्या काम वो परफॉर्म करती है यानी उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, और क्या बेनिफिट्स वो अपने क्लाइंट्स और मीडिया को प्रोवाइड करती है। आज हम शुरुआत करेंगे टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से, कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती किस किस टाइप की हैं। सबसे पहले है हमारी इन हाउस एजेंसी, जिसे हम इंटरनल एजेंसी का नाम भी देते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंटरनल में ही यानी अपनी खुद की ही क्या कर ली है, एजेंसी बना ली है। देखो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की एजेंसी को अफोर्ड नहीं कर सकती। इस टाइप की जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, लार्ज साइज़ की जो फर्म है वो बनाती हैं, वो क्या करती हैं, अपने ही एक्सपर्ट्स को हायर कर लेती हैं, और जो भी काम एड एजेंसी करती है वो सारा काम वो क्या करती हैं, खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करती हैं। उनको इन हाउस एजेंसी बनाने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। क्या, एक तो जो मीडिया से वो कमीशन लेती हैं, देखो एड एजेंसी जब भी बीच में काम करती है तो वो मीडिया से और क्लाइंट से दोनों से पेमेंट लेती है। तो वो अगर आपकी खुद की एजेंसी है तो आपको वो जो कमीशन है मीडिया को, मीडिया से वो आप नहीं लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीडिया कम कॉस्ट पे मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन परमिट करती है तो आप अपने उस एड एजेंसी का यूज़ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है उनकी एड भी बना सकते हो, तो वहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। लेकिन इसके डिमेरिट्स भी हैं। क्या, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एजेंसी बनाकर बैठी है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो चाहे इसमें आप कितने भी एक्सपर्ट को हायर कर लो, उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि वो एड एजेंसी जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के बिजनेसेस को लेती हैं, डिफरेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उनके पास है। और दूसरा कि चाहे कितनी भी आप इनको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो कि आप क्या कर रहे हो, उनको सेपरेट नाम दे रहे हो, स्टिल क्या होता है, अगर सुपीरियर ने कोई सजेशन दिया है चाहे वो अच्छा नहीं भी है तो, लेकिन ये फिर भी सीधा मना नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, उनके सुपीरियर है, यानी इनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। जो ये इन हाउस एजेंसी होती हैं ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से ऊपर होती हैं, यानी ये नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को ही हम इन हाउस एजेंसी बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, जबकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम करती है, जो हमारे जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एड से रिलेटेड काम करेगी। उसके बाद है हमारी फुल सर्विस एजेंसीज। फुल सर्विस एजेंसीज का मतलब है वो एजेंसीज जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं, यानी प्लानिंग का काम भी करती है, एग्जीक्यूशन का काम भी करती है, मीडिया के साथ डील भी करती है। इसके साथ साथ जितनी भी मार्केटिंग सर्विसेज आजकल एड एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, यानी पैकेजिंग से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड, या फिर आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड, हर टाइप की एक्टिविटीज़ को जो एजेंसी परफॉर्म करती हैं उन्हें हम फुल सर्विस एजेंसी कहते हैं। जो हमने कल डिस्कस की थी एजेंसीज़ के बारे में, वो हमने बात जो की थी वो सारी फुल सर्विस एजेंसीज़ के बारे में ही की थी। जब हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं एड एजेंसी तो हम जो बात करते हैं वो फुल सर्विस एजेंसीज़ की ही करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्पेशल सर्विस एजेंसीज़। वो एड एजेंसी जो सारे काम परफॉर्म नहीं करती, जैसे जो फुल सर्विस एजेंसी थी वो हर टाइप की एक्टिविटी कर रही थी जो भी एड से रिलेटेड थी, लेकिन ये एजेंसी क्या करती हैं, कुछ स्पेशल वर्क, कोई भी काम जो जिसमें ये स्पेशलाइज हैं, चाहे कॉपी राइटिंग का हो, आर्टिस्ट का हो, या फिर कोई भी काम हो एड से रिलेटेड, प्लानिंग का हो, मीडिया शेड्यूलिंग का हो, जिस काम में ये स्पेशलिस्ट होती हैं सिर्फ वही काम को करती हैं। जब एडवर्टाइजिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद से करती है और उन्हें किसी इस सर्विस की ज़रूरत हो जो ये प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इनसे ले सकती है। इसके साथ साथ एड एजेंसीज भी कई बार क्या करती हैं, कई सर्विसेज बाहर से ले लेती हैं खुद परफॉर्म करने की बजाय, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करती है उस सर्विस के लिए जो ये प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव बुटीक। देखो, क्रिएटिव बुटीक नाम से ही बता रहा है कि हम यहाँ पर जो डील करेंगे सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए करेंगे, यानी वो एड एजेंसीज जो सिर्फ क्रिएटिव वर्क प्रोवाइड करती है, यानी वो क्या करेंगी, न्यू आइडिया देने का काम करती हैं कि आप इस तरीके से दिखाओगे एड को तो कंज्यूमर की अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगी, यानी सिर्फ न्यू आइडियाज़ देती हैं कि अगर आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है तो आपको उसे कैसे अलग सी हेडिंग दो कि वो कैची बन जाए, कैसे सब हेड्स बनाओ उसके, या टीवी में क्या नई कंसेप्ट आप दिखा सकते हो। तो ये क्या करती हैं, सिर्फ आइडिया देने का काम जो एजेंसीज करती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिएटिव बुटीक। नेक्स्ट है आपकी स्वीट शॉप्स। स्वीट शॉप्स क्या होती हैं, ये मोस्टली लोकल एरिया में वर्क करने वाली होती हैं। ये क्या करती हैं कि अपने पर्टिकुलर लोकल टीवी चैनल पे, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को।
ये जो एजेंसीज होती हैं ये हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करना चाहती हैं, जिन्हें पर्सनलाइज सर्विस चाहिए और जिनका बिजनेस लोकल में है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बाद है इंटरेक्टिव या इंटरनेट एड एजेंसीज। ये एड एजेंसीज वो होती हैं जो कि, जैसे हमें पता है आजकल इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ट्रेंड में है, तो ये एजेंसीज सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी ऐड होती हैं, जैसे हमने बात की थी ईमेल ऐड, पॉपअप ऐड, वो सारी की सारी जो इंटरनेट से रिलेटेड ऐड है, वेब डिज़ाइन करने का काम, ये सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इन्हें, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें इंटरनेट ऐड एजेंसी या इंटरेक्टिव ऐड एजेंसी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी मीडिया बाइंग एजेंसीज़। वो एजेंसीज जो सिर्फ मीडिया में टाइम एंड स्पेस बाय करने का काम करती हैं, उन्हें हम मीडिया बाइंग एजेंसीज कहते हैं। यानी देखो, इनकी क्या करती हैं, बल्क में स्पेस को परचेज कर लेती है मीडिया के पास, यानी किसी न्यूज़पेपर का, किसी टेलीविज़न का, के चैनल का बल्क में स्पेस परचेज कर लेती हैं और उस स्पेस को फिर आगे बेचने का काम करती हैं। बहुत सारी एड एजेंसीज भी इनकी सर्विसेज को लेती हैं कि मीडिया का काम बहुत ही टैकी होता है, तो खुद करने के बजाय क्या कर लेती हैं, इनकी सर्विसेज को हायर कर लेती हैं। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, मीडिया इनको से स्पेशलाइज होते हैं कि किस टाइम ऐड दिखानी चाहिए, कितने टाइम के दिखानी चाहिए, तो ये सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है आपकी इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। जब आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाती है, देखो कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बनाई गई ऐड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बनाई गई ऐड में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए अगर आपको ऐड बनानी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है प्रोडक्ट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो बिजनेस टू बिजनेस बेचे जाते हैं, यानी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, तो ऐसे में यहाँ पर एक्सपर्ट ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, इसलिए जो इसके लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है और ये कॉस्टली भी होती हैं। तो ये एजेंसीज क्या करती हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ही ऐड कोई सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये थे टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करे कि उसे कौन सी एजेंसी से काम करवाना है। देखो, ऐड एजेंसी कोई एक तो है नहीं, हमारे अगर इंडिया में बात करें तो इतनी हज़ारों एजेंसीज खुली हुई हैं। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी भी एजेंसी को काम पकड़ा दो और आपका काम हो गया। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट एजेंसी है जो आपके काम को अच्छे से कर पाएगी, जो जो आप चाहते हो आपकी ऐड में वो सारी चीज़ डाल पाएगी जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती है, सबसे पहले है लोकेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितनी दूरी पर है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जितनी ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐड बनाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, रेगुलरली जो आपकी एजेंसी का सुपीरियर है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर है, उन्हें आपस में क्या करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। और एक कंसेप्ट होती है कि जब भी एड एजेंसी का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो वो क्या लेगा, आपसे ट्रैवलिंग चार्ज लेगा कि उनके एग्जीक्यूटिव ने आपके जगह पे विजिट की है। तो जितनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी एजेंसी से दूर होगी, उतने ज़्यादा ट्रैवलिंग चार्ज होंगे और उतनी ज़्यादा कम मीटिंग आप कर पाओगे, क्योंकि दूर, जब हम दूर रहते हैं तो फिर ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यानी अगर आप लोकल की एजेंसी को सिलेक्ट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ एजेंसी, यानी जो ऐड एजेंसी आप अपॉइंट कर रहे हो उसका साइज़ क्या है। देखो, ऐड एजेंसी छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, और दोनों ही टाइप की एजेंसीज़ की मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती हैं। अगर हम पहले बात करें लार्ज साइज़ की, तो अगर जो लार्ज साइज़ की एजेंसी होगी वो क्या होगी, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसकी सर्विसेज क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो वो क्या है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो आपको पर्सनल टच नहीं देंगे, आपके साथ ज़्यादा मीटिंग नहीं करेंगे, तो वो पर्सनल सर्विस ना मिलने की आपको डिसएडवांटेज मिलेगी। दूसरी तरफ जो आपकी स्मॉल वाली हैं, वहाँ पर आपको क्या है, उनके क्लाइंट्स कम होते हैं, तो वो पर्सनल सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बट उनकी जो सर्विसेज, जो नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, वो लिमिटेड होती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एड एजेंसी है अगर आपको सूट करती है। अगर आपको लगता है कि जो सर्विस आप कर, जो काम आप करवाना चाहते हो, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको, स्मॉल एड एजेंसी भी ऑफर कर रही है, तो आप उनको ले लो, अदरवाइज आपको लार्ज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एजेंसी वर्किंग फॉर कॉम्पिटिटर, कि कौन सी एजेंसी है कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कभी भी उस एजेंसी को सिलेक्ट ना करो जो आपके कॉम्पिटिटर ने सिलेक्ट की हुई है, क्योंकि वो कभी भी आपके लिए उतनी कॉम्पिटिटिव ऐड नहीं बना पाएगी। कि मान लो कोका कोला अगर एक में कह रही है कि कोका कोला सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है, तो वो दूसरी ऐड में पेप्सी को बेस्ट नहीं कह पाएगी। तो
उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको देखना है कि कौन सी एजेंसी जो है कॉम्पिटिटर के लिए वर्क कर रही है और आप उसे सिलेक्ट ना करो। नेक्स्ट फैक्टर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है वो है एजेंसी की इमेज, यानी जिस एजेंसी को वो सिलेक्ट करने की सोच रही है उसकी पब्लिक में रेपुटेशन कैसी है, कैसे उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे उसके अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन है, कैसे वो अपने क्लाइंट्स को हैंडल करती है, उस चीज़ वो चीज़ भी करेगी कि आप पर्टिकुलर एजेंसी को सिलेक्ट करोगे या नहीं। नेक्स्ट है सर्विस ऑफर बाय एड एजेंसी, यानी कुछ एड एजेंसी हमने बात की थी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती हैं कुछ सारी करती हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस एड एजेंसी को सिलेक्ट करो वो ऐसी हो कि जो जो सर्विस आप उससे लेना चाह रहे हो वो सारी की सारी वो प्रोवाइड कर रही हो। रेट चार्ज, देखो कोई भी काम चाहे आप कितना भी अगर आप अच्छा करवाना चाह रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो आपकी पॉकेट में भी होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं देख सकते कि आप अच्छा अच्छा देखते रहो तो ऐसे में वो आपके बजट से बाहर निकल जाएगा तो आपके उसके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे और आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप ये देखोगे कि कौन सी जो एड एजेंसी है कितना चार्जेस ले रही है, वो चार्जेस कितने रीजनेबल हैं, और कंपेयर करोगे डिफरेंट एड एजेंसी के चार्जेस को सिलेक्ट करने से पहले फाइनल एजेंसी को। क्रिएटिव स्किल्स एंड न्यू आइडियाज़, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्रिएटिविटी एड एजेंसीज़ की कैसी कैसी हैं, क्योंकि देखो क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा एड में होगी उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप किसी भी एड एजेंसी से पहले को सिलेक्ट करने से पहले चेक करोगे कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो किस टाइप के होते हैं और वो कितने सक्सेसफुल पास्ट में रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एजेंसी, कि पास्ट में एजेंसी का रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी उसके क्लाइंट्स कौन कौन रहे हैं, अगर कोई क्लाइंट्स उसके छोड़ के जा चुके हैं तो उन्होंने क्यों छोड़ा था, करंट में उसके क्लाइंट्स कौन कौन है, कैसी कैसी उनकी रेपुटेशन चल रही है, क्या उसके और उसके बेस पे आप चेक डिसाइड करोगे कि आपको वो एजेंसी सिलेक्ट करनी है या नहीं। क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ स्टाफ, यानी जो उस एजेंसी में लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर अंदर क्या ट्रेड्स हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या उनकी कैलिबर है, क्योंकि जो काम करेगा वो तो ये स्टाफ ही करेगा, तो जितना ज़्यादा ये स्टाफ एक्सपीरियंस होगा कैलिबर होगा उतने ज़्यादा आपके एडवर्टाइजमेंट कंपेरिजन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियली साउंड, यानी आपकी जो एड एजेंसी है वो आप सिलेक्ट करने से पहले देखोगे कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होगी उतने ज़्यादा वो क्या करेगी अच्छे लोगों को अपॉइंट कर पाएगी, उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो क्या करेगी अच्छी एड आपको ऑफर कर पाएगी। बट क्योंकि फाइनेंशियली साउंड होगी अच्छा लोगों को रखेगी तो पैसा भी ज़्यादा लेगी, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होता है एड एजेंसी सिलेक्ट करनी होती है। एजेंसी एक्सपीरियंस, यानी कितने टाइम से एजेंसी वर्क कर रही है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने काम किया है, इस बात को भी आप ध्यान दोगे जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको कौन सी एड एजेंसी को काम करवाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड एजेंसीज, यानी एड एजेंसीज़ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे उन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया होता है, कैसे वो वर्क करती हैं, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे काम करता है, ये होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन मतलब काम करने का तरीका। तो एक एड एजेंसी की ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दो उस एजेंसीज़ में जो हर डिपार्टमेंट है वो अलग अलग काम करेगा, या फिर क्या करो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ग्रुप बना दो, यानी आप क्या कर रहे हो अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि ग्रुप्स बना रहे हो और हर ग्रुप को बता रहे हो कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट बेसिस पे होती है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट वो बनाती है, देखो क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम होगी, जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी एड एजेंसी को वो डिपेंड करेगी वो कौन कौन सी सर्विस ऑफर करती है और उसका साइज़ क्या है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हम बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम डिपार्टमेंट है कि कौन कौन से वो बना सकती है, किसी के पास इसमें से दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट लेजन डिपार्टमेंट, इसको हम पब्लिक कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। क्लाइंट कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ होता है क्लाइंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करना, ये ध्यान रखता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की के क्लाइंट को सिलेक्ट ना करो, वो देखिएगा कि जो क्लाइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है और उसका उसके प्रोडक्ट को लेने में बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा या नहीं, यानी इसका काम सिर्फ क्या होता है क्लाइंट बनाना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस को क्रिएट करना। नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिपार्टमेंट, जो ये रिसर्च डिपार्टमेंट है इसका काम होता है कि जिस क्लाइंट का बिजनेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है उससे रिलेटेड सारी रिसर्च करना, यानी जो आपका क्लाइंट है उसके प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं
वो पता लगाना, चाहे वो इसके लिए मार्केट में जाके रिसर्च करे या खुद प्रोडक्ट को यूज़ करके देखे, मार्केट को एनालाइज करना यानी कि कस्टमर की ट्रेड्स क्या क्या हैं, क्या टेस्ट हैं कस्टमर्स के, उनको चेक करेगा। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने का काम इसका होगा, यानी कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से मीडिया को यूज़ किया हुआ है, कितना वो ऐड पर खर्च कर रहा है, और मीडिया की भी एनालिसिस करेगा कि कौन सा मीडिया अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है, कौन कितना चार्ज कर रहा है। ठीक है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके हेड को हम बोलते हैं रिसर्च मैनेजर, और जो आपका क्लाइंट लेजन डिपार्टमेंट है उसके हेड को हम बोलते हैं लेजन ऑफिसर, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट कभी भी कहीं बनाए जाते हैं उनका एक हेड जरूर होता है जो उस डिपार्टमेंट को वर्केबल बनाने में हेल्प करता है। तो जो क्लाइंट लेजन डिपार्टमेंट है उसका क्लाइंट्स, उसको हम लेजन ऑफिसर बोलते हैं, और रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड को हम रिसर्च मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद है आपका कॉपी राइटिंग डिपार्टमेंट। जो आपका कॉपी राइटिंग डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, इसका काम होता है कॉपी को राइट करना। ये काम करेगा कि मान लो आप न्यूज़पेपर के लिए ऐड डिज़ाइन कर रहे हो तो हेडलाइन कैसी रखनी है, सब हेड कैसे रखने हैं, वर्ड्स कौन कौन से मैसेज में यूज़ करने हैं, कौन सी अपील अगर आप टीवी में कर रहे हो आपको कौन सी अपील यूज़ करनी है, यानी इनका काम सिर्फ क्या होता है ये डिसाइड करना कि कॉपी होगी कैसी। ये एक लेआउट सा तैयार करते हैं, और इसको जो डिपार्टमेंट हेड, इसका जो डिपार्टमेंट हेड होता है उसे हम कॉपी मैनेजर बोलते हैं, और इसे क्या होता है कॉपी राइटर असिस्ट करता है। उसके बाद है आपका आर्ट डिपार्टमेंट। देखो जो आपका कॉपी राइटिंग डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ एक रफ फॉर्म प्रोवाइड करता है कि क्या क्या हेडलाइन रखनी है, कैसे क्या करना है। जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसे क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, उसमें ग्राफिक्स डालता है, फोटो डालकर उसे फाइनल रूप देता है। मतलब जो कॉपी राइटिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ ही आर्ट डिपार्टमेंट काम करता है, और इसने जो चीज़ बनाई थी उसको फाइनल टच देने का काम आपका आर्ट डिपार्टमेंट करता है। ये उसके अंदर क्या क्या लेके आएगा, कलर्स डालेगा, कार्टून डालेगा, स्केचेस डालेगा, और उसे क्या बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट है आपका मीडिया डिपार्टमेंट। जो मीडिया डिपार्टमेंट है ये काम करेगा मीडिया सिलेक्ट करने से रिलेटेड और मीडिया शेड्यूलिंग करने से रिलेटेड। जैसे हमने पहले ही बात की है कि जो मीडिया, जैसे हमने बात की थी मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, तो उसी टाइप का ये डिपार्टमेंट होगा जिसका मीडिया से रिलेटेड जितना भी काम है वो करेगा ये। इसके बाद है ऑडियो विजुअल एड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जो ये डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, इसका काम होगा जब भी हमें ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए कोई ऑडियो विजुअल एड बनानी है तो उससे रिलेटेड सारा काम करने का काम, यानी कोरियोग्राफर को रखने का काम, कौन सा म्यूज़िक चलाना है, क्या आपके क्रिएटर्स वगैरह को रखने का काम, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, उन सबको सिलेक्ट करने का काम क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है अकाउंट्स का संभालना, यानी क्लाइंट से पैसे लेना, फिर उसको मीडिया को पेमेंट करना, देखना मीडिया ने सही पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं, डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया है, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना, इन सब का रिकॉर्ड्स रखना, या फिर जो क्लाइंट्स के लिए सामान इन्होंने अपनी तरफ से खरीदा है उसमें कमीशन देखना, उनके पैसे लेना, ये सारा काम किसका होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। जो इसका हेड होता है उसे अकाउंटिंग मैनेजर बोला जाता है, और जो ये ऊपर वाला डिपार्टमेंट था इसको बोला जाता है ऑडियो विजुअल एड प्रोडक्शन मैनेजर। इसके बाद है मार्केटिंग सर्विस डिपार्टमेंट। जो भी मार्केटिंग सर्विसेज आपकी ऐड एजेंसी प्रोवाइड करती है, चाहे प्रोडक्ट के डिज़ाइन से, पैकेज के डिज़ाइन से, पब्लिक रिलेशन वैसे अलग डिपार्टमेंट भी बना लेती हैं कई ऑर्गेनाइजेशन, कई मार्केटिंग में इसको इनकॉर्पोरेट कर देती हैं, यानी जितने भी मार्केटिंग सर्विस आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है उनको वो करने का काम होगा इस डिपार्टमेंट का, और इसके हेड को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजर। फिर है आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। जो आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है इसका हेड होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसका काम होता है पब्लिक के साथ डील करना, यानी क्लाइंट्स के साथ ये ध्यान रखना कि क्लाइंट सेटिस्फाई रहे, अगर उसे कुछ कमी लग रही है तो उन्हें इनकॉर्पोरेट करवाना, जो नॉर्मल पब्लिक है उनके साथ डील करना, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स ऐड से रिलेटेड इशूज़ आ रहे हैं उनको टैकल करना, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके बाद है ऐड इवेल्युएशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम होता है ये चेक करना कि जो ऐड उन्होंने बनाई थी वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही, क्या वो राइट टाइम पे राइट जगह पे दी गई थी या नहीं दी गई थी, अगर कुछ कमी आ रही है तो वो कहाँ पे आ रही है, और उन सबको चेक करना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जब हम ग्रुप बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ऐड एजेंसीज की, तो कौन कौन से ग्रुप बनाए जाते हैं। देखो सबसे मेन ग्रुप जो बनाया जाता है सबसे पहले वो होता है प्लानिंग ग्रुप। जो प्लानिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, जितना भी काम होता है एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग से रिलेटेड वो करता है। हमने पहले बात की थी एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग में क्या क्या आता है, वो क्या करेंगे, क्लाइंट के साथ पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पता लगाएंगे, मार्केट की इन्फॉर्मेशन को पता लगाएंगे, कॉम्पिटिटर के बारे में पता लगाएंगे, और उसके बाद है क्रिएटिविटी का काम करेंगे, यानी कुछ नया सोचेंगे और अपने ऐड को क्रिएट करेंगे, यानी कॉपी राइटिंग का काम भी यहीं पर होगा। कॉपी राइटिंग का सिर्फ आइडिया यहाँ पर होगा, जनरेट नेक्स्ट स्टेप पे की जाएगी।
प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग की जो थिंकिंग यहाँ पर, जो प्लान यहाँ पर बनाया गया था उसके, उसको प्रिपेयर करने का काम यहाँ पर होगा। यानी अगर टीवी में ऐड देनी है तो उसकी कोरियोग्राफी करना, डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, न्यूज़पेपर में देनी है तो उसकी कॉपी राइटिंग करना, ये सारा काम कहाँ होगा, यहाँ पर ऐड को प्रिपेयर किया जाएगा। ऐड को प्रिपेयर करने के बाद जो ये ग्रुप होगा वो क्या करेगा, मीडिया को सिलेक्ट करेगा, उसकी शेड्यूलिंग करेगा, उसे सही जगह पर मीडिया में चलवाएगा, फिर देखेगा कि वो सही टाइम पर इशू की गई थी या नहीं की गई थी, और अगर कुछ कमी होगी तो उसे ठीक करवाएगा। इसके साथ साथ मीडिया के बिल को पे करना, क्लाइंट्स के बिल को, क्लाइंट से पैसा लेना, वो सारा काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है। और लास्ट है आपका, लास्ट ग्रुप है आपका मार्केटिंग सर्विसेज ग्रुप। जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड, मार्केटिंग सर्विसेज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होगी, जो हमने पहले भी बात की, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से, पैकेजिंग से या पैकेजिंग इंसर्ट से रिलेटेड, इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी सर्विस आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होगी, उसको करने का काम होगा इस ग्रुप का, मार्केटिंग सर्विसेज ग्रुप का। ठीक है, ये थी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। डिपार्टमेंट बेसिस पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है और ग्रुप बेसिस पे भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसे कौन सा बेनिफिशियल लगता है, उसका साइज़ क्या है और क्या उसको सुटेबल लगता है। अब लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे इस चैप्टर का, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट। देखो मैंने बात की अभी भी, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी अलग अलग होती हैं। कल हम बात करेंगे, अब तक हमने सारी बात की एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, कल हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। थैंक यू।